हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज महक सोनी। आज हम लोग हमारी जो सीरीज हमने स्टार्ट की थी उसमें मेलविन केल्विन के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। पर इनके बारे में पढ़ने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर आज फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि जो भी मैं वीडियोज में लेकर आती हूँ सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है मेलविन केल्विन का, इसमें अंडरलाइंस हम कर रहे हैं, पर मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप पहले पूरा वीडियो देखो, उसके बाद ये अंडरलाइंस करना, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो अंडरलाइंस देख लेते हैं। सबसे पहले मेलविन केल्विन का फोटो एग्जाम में आ सकता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अब हम लोग लेबलिंग कर लेते हैं, अंडरलाइन कर लेते हैं। तो मेलविन केल्विन बॉर्न कहाँ था, मिनेसोटा में हुआ था इनका बॉर्न, अप्रैल 1911 में। उसके बाद जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम हिरोशिमा और नागासाकी में एटम बॉम्ब गिराया गया था, तो सब एकदम जो बुरे इफ़ेक्ट्स थे वो देख रहे थे, पर मेलविन केल्विन जो थे उन्होंने और उनके कोवर्कर्स ने उस टाइम पर रेडियो एक्टिविटी के बेनिफिशियल यूज़ के बारे में बताया। फिर हमारे जो केल्विन थे उन्होंने जे बेसाम के साथ में स्टडी की और ग्रीन प्लांट्स में जो रिएक्शन होती है जहाँ पर शुगर बनता है, कैसे बनता है, रॉ मटेरियल यूज़ होता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और मिनरल्स, उसके बारे में बताया, और किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड का C14 जो आइसोटोप है वो यूज़ करके बताया था। फिर जो हमारे केल्विन थे उन्होंने बताया कि प्लांट्स हमारे जो हैं वो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद इन्होंने बताया हमारे जो पिगमेंट्स होते हैं जो कि एब्जॉर्बेंट का काम करते हैं, लाइट एब्जॉर्ब करने का, उसके बारे में इन्होंने बताया। और सबसे इम्पॉर्टेंट इनका जो रोल है जिसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ मिला था, वो था मैपिंग ऑफ द पाथवे ऑफ कार्बन एसिमिलेशन इन फोटोसिंथेसिस, जिसके लिए नोबेल प्राइज़ इनको मिला था 1961 में। ये इसके मेन अंडरलाइंस है जिसको डिटेल में हम इसी वीडियो में आगे पढ़ने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहना लास्ट तक। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारे जैसे कि सीरीज में हम पढ़ते आ रहे हैं, सबसे पहले हम देखते हैं उनका जन्म कब हुआ, किस फील्ड में उन्होंने रिसर्च की थी, उसके बाद मेन टॉपिक पर हम आते हैं कि उन्होंने क्या क्या रिसर्च की थी, क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए थे जिनकी वजह से हम उनके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि इनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ था। तो जन्म इनका हुआ था मिनेसोटा में अप्रैल 1911 में। उसके बाद इन्होंने अपनी पीएचडी की डिग्री जो थी वो ली थी यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा से। कौन से डिपार्टमेंट में ली थी, केमिस्ट्री में ली थी। उसके बाद केमिस्ट्री के प्रोफेसर ये लगे हमारे यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया जो कि बर्कले में थी, बर्कले की जो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया है वहाँ पर ये एज अ केमिस्ट्री फैकल्टी लगे थे। उसके बाद मेन टॉपिक पर हम आते हैं जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि इनने रिसर्च कौन से फील्ड में की थी। तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम जब पूरा विश्व रेडियो एक्टिविटी के हार्मफुल इफेक्ट्स के बारे में देख रहा था, क्योंकि उस टाइम पर हिरोशिमा और नागासाकी में जो एटम बॉम्ब गिराए गए थे उससे सब डरे हुए थे, सब ये देख रहे थे कि रेडियो एक्टिविटी जो है, जो एटम बॉम्ब है उसमें, ये सिर्फ एक बुरी चीज़ है, एकदम बुरी एनर्जी है। पर उसी टाइम पर इन्होंने और इनके जो को वर्कर्स थे उन्होंने ये बताया कि रेडियो एक्टिविटी के यूजफुल इफेक्ट भी हो सकते हैं, बेनिफिशियल इफेक्ट के बारे में हमको बताया। उसके बाद इन्होंने जे बेसाम के साथ में मिल करके ग्रीन प्लांट्स पर, ग्रीन प्लांट्स में जो रिएक्शंस होती हैं जिसमें कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और मिनरल्स से, मिनरल्स का जो यूज होता है उनसे, जो कि मतलब हमारे जो कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स है, इनका यूज करके हमारे जो प्लांट्स है वो शुगर बनाते हैं जो कि एक ऑर्गेनिक मटेरियल है। इसके बारे में बताया, किसने बताया, मेलविन केल्विन ने, किसके साथ मिलकर, जे बेसाम के साथ मिलकर के। उसके बाद जब ये इन्होंने ये बताया था उसमें इन्होंने देखा कि कार्बन C14 का इन्होंने यूज किया था जो कि हमारा कार्बन का एक आइसोटोप होता है, इसका यूज करके इन्होंने बताया कि शुगर जो बन रही है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ही शुगर बनाने में काम आ रहा है, ये इन्होंने बताया था C14 का यूज करके। उसके बाद हमारे जो केल्विन थे उन्होंने उनको बताया कि प्लांट्स हमारे ट्रांसड्यूसर होते हैं, किस तरह से, ट्रांसड्यूसर का मतलब होता है जो कि एक एनर्जी की फॉर्म को दूसरी एनर्जी की फॉर्म में चेंज करते हैं,
तो हमारे जो प्लांट्स होते हैं वो लाइट एनर्जी को पकड़ते हैं और लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में। अब पिगमेंट्स का रोल उन्होंने बताया था, पिगमेंट्स होंगे हमारे, पिगमेंट्स ही तो मेन होते हैं जो लाइट को अब्जॉर्व करते हैं, तो उसके बारे में इन्होंने बताया था कि पिगमेंट्स के थ्रू पिगमेंट्स मॉलिक्यूल्स और कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जो इलेक्ट्रॉन के फॉर्म्स में लाइट एनर्जी को पकड़ते हैं और हमारे जो प्लांट्स होते हैं वो ट्रांसड्यूसर की तरह काम करते हैं, वो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। उसके बाद में इनको क्यों जाना जाता है, वो एक इम्पॉर्टेंट लाइन है। यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे जो मैपिंग ऑफ द पाथवे ऑफ कार्बन एसिमिलेशन इन फोटोसिंथेसिस, ये देने का काम किसने किया था, मेल्विन केल्विन में दिया था। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, मैपिंग ऑफ द पाथवे ऑफ कार्बन एसिमिलेशन इन फोटोसिंथेसिस किसके थ्रू दिया गया था, मेल्विन केल्विन के थ्रू दिया गया था, जिसके लिए इनको नोबेल प्राइज मिला था 1961 में। उसके बाद बात आती है कि इन्होंने फोटोसिंथेसिस का जो प्रिंसिपल दिया था, जो कि मेल्विन केल्विन ने दिया था, उसको आज भी बहुत ज्यादा मान्यता मिली हुई, आज भी बहुत ज्यादा उसकी वजह से हमको बेनिफिट्स होता है। कौन कौन से फील्ड में होता है, जो रिन्यूएबल सब्सटेंसेस होते हैं, जो एनर्जीज होती है, उनके बारे में पढ़ने में काफी ज्यादा हेल्प मिलती है हमको। और सोलर एनर्जी का जब हम रिसर्च करते हैं, बेसिक रिसर्च ऑफ सोलर एनर्जी जब हम करते हैं, तो वहां पर भी इन्होंने जो प्रिंसिपल दिया था फोटोसिंथेसिस के बारे में, उसकी वजह से हमको बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना, शेयर करना, और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना,